नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बरेली काली बरेली के नए एडमिशन फॉर्म 2024-25 के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग भी बरेली काली बरेली में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए एंड बीकॉम ऑनर्स में एक नया एडमिशन 2024-25 के अंतर्गत लेना चाहते हैं तो आप लोग अपना किस तरह से एडमिशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इस पर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना रखी है। लेकिन उस वीडियो में काफी स्टूडेंट के कमेंट ये आ रहे हैं, सर हमने अपने एडमिशन फॉर्म को तो अप्लाई कर लिया, क्या इसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट होगी या फिर नहीं। इसके बारे में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। हो सकता आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग भी कंफ्यूज हो। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने भी बरेली काले बरेली में एक नया एडमिशन फॉर्म को अप्लाई कर लिया हमारी वीडियो देखकर या फिर किसी भी तरह, और आप लोगों के मन में यही क्वेश्चन है कि हमारी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा होगी या फिर नहीं होगी, अगर होगी तो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। सो अगर आप लोग भी ये वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे, पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बरेली काली बरेली में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए एंड बीकॉम ऑनर्स के 2024-25 के अंतर्गत एक नया एडमिशन फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने अपने चैनल सक्सेना टेक्निकल पे आपको कई सारी वीडियो बना रखी हैं, जिनका लिंक आपको आई बटन या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में टॉपिक हमारा है कि अगर आप लोगों ने भी अपने एडमिशन फॉर्म को अप्लाई कर लिया है, अप्लाई करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट होगी या फिर नहीं, इसके बारे में जानने के लिए आपको आना होगा बीसीबी की ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फाइनली हम आ चुके हैं बीसीबी यानी बरेली काली बरेली की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां पर आपको एक मेनू बार मिलेगा जहां पर लिखा है एडमिशन, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हम आ चुके हैं bcbonlineadmission.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट के माध्यम से आपने अपने एडमिशन फॉर्म को अप्लाई किया था, इसी वेबसाइट के माध्यम से सारा काम होगा, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करेंगे इसकी पूरी गाइडलाइंस के बारे में, तो इसके लिए आपको यहां पर एक नोटिस देखने को मिल रहा है गाइडलाइंस का, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी हाल ही में 1 से 2 दिन पहले ये गाइडलाइंस यहां पर जारी कर दी हैं बरेली काले बरेली में एक नए एडमिशन फॉर्म को लेने के लिए, जिसकी वेबसाइट भी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं एडमिशन गाइडलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जैसा कि बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर के स्टूडेंट के ऊपर ये एकेडमी 2024-25 की गाइडलाइन लागू होती हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 15 मई 2024 से, लास्ट डेट है इनकी 12/6/2024। इसके हिसाब अगर आप लोग भी किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहते हैं तो इनके हेल्पलाइन नंबर और आपको यहां पर ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगी। थोड़ा और नीचे आएंगे तो दोस्तों यहां पर आप अपने एडमिशन फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे, जिसका पूरा प्रोसेस, और साथ में यहां पर आपको केबी के बारे में जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनकी केबी के साइज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप लोग भी ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है 10 मई 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद वाला ही होना चाहिए। और अगर आप लोग जनरल कास्ट से हैं और ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 10 मई 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए, इससे बाद का ही आप लोग यहां पर यूज कीजिएगा। इसके अलावा अगर जो भी कदर अदर स्टेट के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई करते हैं वो यहां पर जनरल में माने जाएंगे। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट का जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहले नंबर पे आपको अपना यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर लिया तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से यूआरएन नंबर मिलेगा, जिसका फोटो फॉर्म मिलेगा।
इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप पर आना है, रजिस्ट्रेशन एट बरेली काली बरेली की वेबसाइट पर करना है। मतलब आप लोग देखिएगा, सबसे पहले यूनिवर्सिटी वाला रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे नंबर पे आपको बरेली काली बरेली की वेबसाइट पर करना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और दोनों टॉपिक के लिंक पे वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखी है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेप आपको देखने को मिल रही है, ये स्टेप यहाँ पर 2024 में लागू की गई थी, 22 और 23 सेशन में नहीं थी और 23 वाले में भी यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर देख सकते हैं, टेक प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट टू कॉलेज ऑफिस। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि आपने जो भी फॉर्म को अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी वाला और बरेली कॉलेज वाला, दोनों की हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में जाकर, कॉलेज के ऑफिस में जाकर आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। चौथी स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पर मेरिट बेस होगा और आपका जो भी कैंडिडेट यहाँ पर हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट कर चुके होंगे उन्हीं का यहाँ पर नाम शो होगा, अन्यथा आपका नाम नहीं शो होगा। तो आप लोगों को बता दें, 2024 में ये चीज़ बदली है, इससे पहले 2021-22 में 22-23 सेशन में और यहाँ पर 23-24 सेशन में ये चीज़ यहाँ पर नहीं थी, लेकिन 24-25 सेशन में आपको इसकी हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में सबमिट करना ज़रूरी है। अब आप ये आपको बताएंगे कि हार्ड कॉपी के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए हार्ड कॉपी सबमिट करके करने के लिए, इसका वीडियो आगे आप लोग कंप्लीट जरूर देखें। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ स्टेप में आपका जो भी सिलेक्शन होगा मेरिट आधार पर, जिसकी हाई रैंक होगी उसका यहाँ पर एडमिशन होगा, उसी हिसाब से यहाँ पर 4 से 5 मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी सीट के अनुसार और आपको एडमिशन दिया जाएगा। टोटल आप लोग यहाँ पर सीट देख सकते हैं, बीए की 1840 हैं जिसकी एलिजिबल क्राइटेरिया है इंटरमीडिएट कंप्लीट किसी भी स्ट्रीम से, साथ में अगर आप लोग यहाँ पर बीकॉम के लिए अप्लाई करते हैं तो 1040 है, साथ में आपका जो भी ग्रुप है वो यहाँ पर आर्ट का ग्रुप होना चाहिए या फिर साइंस या फिर कॉमर्स, तीनों लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी मैथ के लिए यहां पर 880 सीटें हैं और जिसमें यहां पर इंटरमीडिएट में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ होना कंपलसरी है। अगर आप लोग बीएससी बायो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 720 टोटल सीटें हैं जिसमें यहां पर एलिजिबल क्राइटेरिया इंटरमीडिएट के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग और इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं तो आपको नीचे सारी इंफॉर्मेशन लिख रखी है, तो आप लोग चाहे तो ये सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये पीडीएफ खुद से रीड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप लोग ये पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट तो होगी, लेकिन उस हार्ड कॉपी के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी है उसके बारे में आप लोग आगे देखिएगा। हार्ड कॉपी सबमिट करने के वक्त आपके पास ये डॉक्यूमेंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे आपके पास यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो आपने सबसे पहले किया था, दूसरे नंबर पे आपके पास बरेली काली बरेली का भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसे भी कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट करने के बाद उसका भी पेमेंट कीजिएगा। और इसके बाद आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट का इंटरनेट वाला मार्कशीट होना चाहिए, साथ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, अगर आप लोग भी ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में अगर आपकी फैमिली में इनकम सर्टिफिकेट बना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपके पास मूल्यवास है बना हुआ तो मूल्यवास दे सकते हैं, साथ में अगर आप लोग जनरल कास्ट से हैं और आप लोग भी 10% छूट लेना चाहते हैं और आप लोगों ने अपने फॉर्म में ईडब्ल्यूएस भर रखा है तो ईडब्ल्यूएस की फोटोकॉपी आपको यहां पर लगानी पड़ेगी। यदि आपका इंटरमीडिएट में 1 साल का 2 साल का 3 साल का गैप है तो आपको यहां पर गैप एफिडेविट देना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप लोग भी ये डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी यानी फोटोकॉपी करा के अपनी डेट से पहले यानी 10 जून से पहले जाकर इसकी हार्ड कॉपी बरेली कॉलेज बरेली में जरूर सबमिट कर दीजिएगा। हार्ड कॉपी सबमिट करने के बाद ही आपका जो मेरिट में सिलेक्शन है वो यहां पर होने वाला है, अगर आपने हार्ड कॉपी सबमिट नहीं की तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो फाइनली ये था कुछ हार्ड कॉपी का अपडेट जो कि इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।